इस वक्त जो है जमील खान साहब के भाई ताहिर खान साहब आ गए हैं, उनसे हम उनका वाकिफ जानेंगे कि जब ताहिर खान साहब और जब तक मैं कातिलों को सामने लेके नहीं आता मैं चैन से नहीं बैठता। अच्छा सर, आप अपने भाई के कातिल का नाम जानते? वो जो कोई भी है मैं उसे सामने ला के शबाना, न्यूज देखी तुमने? नहीं, क्यों, क्या हुआ? इसने खुदकुशी कर ली। तुम लोग इसी के यहाँ खाने पे गए थे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक था। दिस इज शॉकिंग। कोई पता नहीं कोई वजह होगी। डजंट साउंड राइट। बेचारी सरवत क्या करेगी? मैं हकदाद को बता के आती हूँ। सरवत, शमसी से मिलो और उससे पूछो कि FIR के बारे में कौन कौन जानता है। सब खैरियत है ना? हाँ, शक तो होगा। खैर ठीक है, जो भी करो तेरा इतिहास से करना, राजदारी में। वो, अरे आपके दोस्त ने खुदकुशी कर ली है। खबर मिल गई आपको? हाँ वो, लेकिन हम तो अभी उसके घर गए थे खाना खाने, बिल्कुल ठीक था। कोई परेशानी थी क्या? मालूम नहीं, बस। और ना ही उसने मुझसे जिक्र किया किसी बात का। How strange. वैसे मुझे याद आ रहा है आपने उसके बारे में कुछ बात की थी कि बेवकूफ था, अकल देर से आई। आप उसके बारे में जरूर कुछ जानते थे, है ना? शबाना, ये जो सियासतदान होते हैं आइसबर्ग की तरह होते हैं, ऊपर से बहरूप, गहराई के बारे में कोई नहीं जानता है। मैं जानता हूं तुम्हें दुख हुआ है, हम तो बस सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह से मगफरत करे। शॉकिंग।
वेरी सैड। भाभी पार्टी के लोग आपसे ताजियत के लिए मिलना चाहते हैं। मीडिया के लोग तो नहीं हूँ। जी है। हटा उन्हें। ठीक। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप लोग जरा बाहर जाइए। बाहर नहीं, प्लीज बाहर जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। वो हम सबके बड़े भाइयों जैसे थे। आप इस वक्त जिस कर्ब से गुजर रही हैं, हम उसका अंदाजा तो नहीं कर सकते, मगर हम भी इस गम में आपके बराबर के शरीक हैं। हम सबसे बड़ी शफकत से पेश आते। वो पार्टी के हर कारकुन का दर्द था उनके सीने में। उनकी आई मुझे आ जाती, मगर खुदा अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है। दुआ फरमाइए। मैं ये समझता हूं कि इस बात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इस कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि इस कत्ल के लिए हमें एहतजाज करना चाहिए। क्यों भाभी? मुझे लगता है कि जमील भाई की मौत के पीछे कोई पुरानी रंजिश है। ये सियासी कत्ल है ताहिर मियां। जो पोजीशन जमील साहब ने हुकूमत के खिलाफ ली थी, उसी की वजह से उन्हें रास्ते से हटाया गया है। और मैंने भी अपने भाई के जनाजे पे कसम खाई थी कि उसके कातिल को फांसी तक जरूर पहुंचाऊंगा। आपके जज्बात अपनी जगह, अगर हम कातिलों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे हर दिल अजीज लीडर जमील खान शहीद की मगफरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। अब हम इजाजत चाहते हैं। Love. सर, ये जमील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सर। सर, रिवॉल्वर फ्रेंजिक रिपोर्ट कल मिल जाएगी सर। ठीक है। जमील की बेवा का बयान लिया तुमने? नहीं सर, मैं दो बार जा चुका हूँ सर, लेकिन जमील का भाई ताहिर उसे मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? सर वो कहता है कि जब वक्त होगा तो बुला लेंगे आपको। ठीक है, कल चलते हैं फिर, और देखते हैं ताहिर अहमद कौन है। ओह, थैंक यू। मैं तंग आ गई हूँ इस रूटीन लाइफ से। बदल बदलो इस रूटीन लाइफ को। अरे क्या क्या बदलूं, लगता है बदलते बदलते खुद ही बदल जाऊंगी मैं। अरे नहीं, तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही लगती हो जैसी पहली मुलाकात में लगती थी। और पहली मुलाकात में कैसे लगी थी मैं आपको? बहुत जोर से, और उसकी टीस आज तक उठ रही है। मुझे याद है पहली मुलाकात पे आपने एक बहुत खूबसूरत जुमला सुनाया था मुझे। कितनी इम्प्रेस हुई थी मैं कि वाह, इस शख्स को कितनी अच्छी शेर व शायरी आती है। वो तो बाद में पता चला कि ये जुमला किसी गाने से था। तुम्हें मुतासर करने का सिर्फ एक यही अंदाज समझ में। अच्छा तरीका ढूंढा था आपने। मैं आती हूँ।
हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हो तो जवाब दो, क्यों मारा है तुमने जमील को? खुदकुशी की है उसने। नहीं, तुम्हें बर्बाद करने निकला था वो, खुदकुशी करने नहीं, तुमने मारा है उसे, जानती हूँ मैं। ये तुम समझते हो, तुम झूठे हो, मकार हो तुम। तुम्हारी बात पे क्या एतबार करना, किसी दूसरे का गुनाह कबूल कर सकते हो तो अपना क्यों नहीं? दूसरी बार बर्बाद किया है तुमने मुझे, मैं तुमसे नफरत करती हूं और जिंदगी भर करती रहूंगी। आप लोग फिर आ गए, मैंने आपसे कहा था कि जब हम आपको बुलाएंगे आप तभी आइएगा। हमें लोग नहीं जुर्म बुलाता है जनाब। अभी हमारे पास वक्त नहीं है, आप बाद में आइएगा। ओके चलो खाजा, ये लोग नहीं चाहता कि हम जमील साहब की खुदकुशी को इन्वेस्टिगेट। क्या आप लोगों ने रट लगा रखी है, खुदकुशी खुदकुशी? मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं की थी, वो बहुत अच्छे इंसान थे, सच्चे और बहादुर, और ऐसे लोग खुदकुशी नहीं करते। मैं मैडम से कुछ सवाल कर सकता हूं? मैंने कहा ना, पूछिए। क्या पूछना चाहते हैं? थोड़ी सी रहनुमाई चाहूंगा आपसे, आप सबसे करीब थी और करीब के लोग बहुत कुछ जानते हैं। सोचकर बताइए कि क्या आपको किसी पर शक है? किसी पे नहीं। ठीक है ख्वाजा, खुदकुशी का केस ठोको और फाइल बंद करो, लेट्स गो। ये आप क्या कह रहे हैं? पता करें कि मेरे भाई के कत्ल के पीछे किसका हाथ था। कैसे पता करो? घर वाले तावन नहीं कर रहे। जमील खुदकुशी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उन्हें कत्ल ही किया गया है। आजा, बीवियां सबसे नजदीक होती हैं, हमें बहुत कुछ पता होता है, और अगर बीवी कह रही है कि कत्ल है तो फिर ये कत्ल है। हाँ हाँ ठीक रहा, मैं होटल जा रहा हूं। मैं जिन शरायत पर आया हूं उन्हें पहले पूरा करना होगा तुम्हें, वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी, मगर उन लोगों को पहले यहां से निकालना होगा। ठीक है, पहले मुझे बात कर लेने दो, इसीलिए तो आया हूं मैं यहां पर, वो लोग मान नहीं रहे। ठीक है, पासपोर्ट तो मैं मिल जाएंगे कल तक। अगर खान को मालूम हो गया कि मैं कराची में हूं तो वो किसी भी कीमत पर मुझे ढूंढ निकालेगा। ठीक है, देखते हैं, खुदा हाफिज। जब उसने टाइम दिया था तो अब क्यों मना कर रहा है? व्हाट? उसकी वजह से शोज में रेटिंग आती है। माय फुट। सुनो सुनो सुनो, ही इज नो मोर। हां, ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट। आई एम सॉरी यार, तुम तो जानती हो। खैर, वो हारून के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। तुम चाय लोगी या कॉफी? आई थिंक कॉफी। हाँ, दो कॉफी विदाउट शुगर। हाँ हाँ, बगैर चीनी के। हाँ, कहाँ हो, कैसी हो? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। देख ही रही हो, तुम्हारे जाने के बाद सुकून नहीं मिला बस। तो वही तो देने आई हूँ। तो क्या ये बातें सच है? कौन सी बातें?
कि तुम शोज दोबारा स्टार्ट कर रही हो? हाँ, और मैं तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या हम दोबारा एक टीम बन सकते हैं? आई वुड लव टू वर्क विद यू बट राजी से मैं बात कर चुकी हूँ, सिर्फ तुम्हारे गोहेड का इंतजार है। राजी तुम्हारी बात क्यों टालेगा? तो फिर कब से शुरू करें? अगर ऐसी बात है तो फिर आज ही से शुरू करते हैं। ग्रेट, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, मैं सबसे पहला जो प्रोग्राम है ना, इस कैंडल पे करना चाहती हूँ। Are you sure? हाँ, क्यों? नीलम मैम, मामला बहुत रिस्की हो गया है, फौरन शटअप कॉल आ जाती है, ऐसा ना हो कहीं लेने के देने पड़ जाए। आई डोंट केयर। हाँ, व्हाई वुड यू? ये आपने आपके बाबा की पहुंच बोल रही है। मैंने कभी भी अपने बाबा का नाम नहीं इस्तेमाल किया और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे काम के लिए मेरी कोई मदद करे। फिर तो बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। हेलो राहत, कैसी हो? अनवर, मैं यही हूं पाकिस्तान में। तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मना किया था, जानते हो तुम कितने दुश्मन है तुम्हारे यहाँ? दुश्मनों से ही तो दो दो हाथ करने के लिए आया हूं। बेवकूफी की बातें मत करो अनवर, वापस चले जाओ। नहीं राहत, हिसाब बेबाक करने का वक्त आ गया। मैं यहाँ होटल ग्रैंड में ठहरा हूँ, तुम उसे फौरन मिलो। ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है अनवर। क्यों, अब तक कैदियों की तरह रखा हुआ है तुम्हें? हाँ, हिफाजत के नाम पे निगरानी होती है हमारी। इसी कैद से रिहा करवाने के लिए आया हूँ, किसी भी तरह मुझसे मिलो। अच्छा, कोशिश करती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। काम करो मगर बहुत एहतियात के साथ, अनवर बहुत बेहतर मोहरा साबित हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है, मगर इस मंजर में हम कहीं नजर ना आए, तमाम मामला अनवर के जरिए होने चाहिए। बहुत मुश्किल से ढूंढा है तुम्हें। चाय या कॉफी? नहीं, बस काम की बातें करनी है। इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो तुम? इंतकाम, अपने दोस्त का भी और उसकी फैमिली का भी। अपनी जान पर खेल कर यूं ना बनो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। अच्छा, तो ये कह रहा था वो? जी, बहुत प्यार करता है तुमसे। आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही सोच रही थी कि क्या क्या कर सकता है तुम्हारे लिए। जो कहूंगी ना वो करेगा। वाकई? तो सालगिरह आ रही है तुम्हारी, क्या दे रहा है तुम्हें? अगर मैंने उससे जान मांगी ना तो अपनी जान भी दे देगा, लेकिन क्या लूं? जान तो रहने दो। कहो तुम्हें गाड़ी की जरूरत है, ये कितने का है? अच्छा भाई, थोड़ा कम करें ना, बड़ा महंगा है 300 रुपए का। अभी मैं आई। अच्छा।
हेलो हाँ अनवर हमजा हाँ अंदर आओ तबीयत कैसी है ठीक है अकेले रहते हो हाँ अकेले रहते हूँ फ्लैट की कंडीशन देख के तो नहीं लग रहा वो एक्चुअली काम वाली आती है तो वो सफाई करके जाती है ये सब तुमने बनाई है मैंने अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो बस यूं ही सब यूं ही तो नहीं हो अच्छा वो चाय कॉफी बड़े कंजूस हो मुझे लगा खाना खिलाओगे साथ अरे तुम बोलो क्या ऑर्डर करना मैं अभी ऑर्डर एक्सक्यूज मी हेलो तुम्हारी ये वाली पेंटिंग बहुत अच्छी है क्यों कर रही तुम ये सब ड्रामा क्यों मेरी गुर्बत और खुददारी का मजाक उड़ा रही हो बिना होगा तुम्हारा बाप कोई बहुत रईस इंसान बहुत पैसा भी होगा उसके पास लेकिन तुम मुझे उसके पैसे से खरीद नहीं सकती नहीं खरीद सकती तुम मुझे हमजा किसी ने देखा तो नहीं आते हुए तुम क्यों आए हो यहाँ मैंने तुम्हें मना किया था ना कैसी हो रात बच्चे कैसे सब बिल्कुल ठीक हैं लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो क्यों आए हो यहाँ तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को साथ ले जाने के लिए ये मुमकिन नहीं है अनवर मुमकिन है राहत अगर तुम चाहो तो मेरे चाहने से कुछ नहीं होता प्लीज वापस चले जाओ राहत अपने दोस्त की मौत का बदला लेने का पहला मौका मुझे मिला है इसे मैं जाया नहीं हूँ मौका है कुछ लोग जो मेरी हेल्प कर रहे हैं तुम नहीं बदलोगे नहीं मैं नहीं बदला जैसा एक साल पहले था वैसे ही आज भी सारी जिंदगी तुमने अकेले गुजार तुम जानती हो मुझे भी और मेरी फीलिंग्स बस एक्सप्रेस नहीं कर सकती अनवर तुम्हारे एक्सप्रेस करने से कुछ होना नहीं था तुम भी जानते थे मेरे दिल में क्या है एक तरफ यकतरफा और खामोश मोहब्बत और दूसरी तरफ मेरा बचपन का दोस्त सरफराज जाओ अनवर वापस चले जाओ जाओ अपनी जिंदगी गुजारो मेरे लिए तुम बहुत कुछ कर चुके मेरा नसीब नसीब इंसान अपने हाथ से बनाता है वही तो बनाने आए तुम साथ चल रही मेरे अपना और बच्चों का पासपोर्ट मुझे ला दो सारा इंतजाम मैंने कर लिया ये नहीं हो सकता अनवर हकदार मुझे कभी नहीं जाने देगा
राज, बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसे बनना ही था। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए उसने कितने बेगुनाहों को अपनी ख्वाहिशात और गर्ज की भेंट चढ़ाया। राहत, मुझे तो लगता है अपने दामाद हारून का भी कत्ल उसी ने किया। अस्सलाम वालेकुम खान जी। कोई पता चला आफा का? पता करा रहे हैं। दो घंटे से आपा गायब है और तू अभी तक पता करा रहा है। समझ नहीं आ रही आपा मॉल से कहां चली गई। मॉल से गायब नहीं हुई है, किसी के साथ गाड़ी में बैठकर गई है। मॉल के सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है, जल्दी पता चल जाएगा। तो जानता है ना मैंने आपा को अपने साथ क्यों रखा हुआ है। नंबर एक, कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, और नंबर दो, उनकी वजह से कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए। जानता हूं। जानता है तो जा, पता कर कहां है और किसके साथ है। नो वरीज। अपनी बर्बादी का मुझे कोई मलाल नहीं है राह, क्योंकि तुम्हारी तो जिंदगी उजड़ गई, तुम्हारा तो घर उजड़ गया। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। किस्मत में अब जब कुछ और लिखा जा रहा है तो उसे कबूल क्यों नहीं कर रही। अच्छा मुझे ये बताओ, वो कौन लोग हैं जो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूं तुम्हारे लिए और अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए। राह, तुम्हारा कभी दिल नहीं चाहा कि तुम खान से खुलकर बात कर सको, उससे पूछो कि क्यों मारा उसने तुम्हारे शौहर को और मेरे दोस्त को? बहुत चाहा, पर मैं क्या करती, छोटा भाई है वो मेरा, इतना जानती हूं ये मेरा दुख, मेरा गम मेरे ना चाहने के बावजूद कभी ना कभी रंग लाएगा जरूर। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था वो। खुदा जाने जेल में उसके साथ क्या हुआ, वो बाहर निकला तो बिल्कुल बदल चुका था। उसी की हरकतों की वजह से मेरे अब्बा अपनी जान से गए। ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि उसने अपने अंदर एक सफाक अफरियत पाल लिया, मैं नहीं जानती। तुम कब जा रहे हो? नहीं जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें भूला नहीं होगा, वो मार देगा तुम्हें। मार, मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी अकेली जिंदगी की अहमियत क्या होती है। बहुत देर हो गई, मुझे चलना चाहिए। सरबत याद है तुम्हें? जिसके शौहर ने भी खुदकशी की है, सियासतदान था ना वो। दो दिन पहले हकदाद और शबाना उससे मिलने गए उसके घर। ओ। समझा। जो तुम चाहते हो ना, हकदाद वो होने नहीं देगा। सुन रहे हो तो जवाब दो, क्यों मारा है तुमने जमील को? खुदकुशी की है उसने। नहीं, तुम्हें बर्बाद करने निकला था वो, खुदकुशी करने नहीं, तुमने मारा है उसे, जानती हूं मैं। ये तुम समझते हो। तुम झूठे हो, मकार हो तुम। तुम्हारी बात पे क्या एतबार करना है? किसी दूसरे का गुनाह कबूल कर सकते हो तो अपना क्यों नहीं? दूसरी बार बर्बाद किया तुमने मुझे,
तुमसे नफरत करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। तुम झूठे हो, मकार हो तुम। तुम्हारी बात पे क्या एतबार करना? किसी दूसरे का गुनाह कबूल कर सकते हो तो अपना क्यों नहीं? दूसरी बार बर्बाद किया तुमने मुझे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और जिंदगी पार करती रहूंगी। देख लिया हमने, अब खोल दो दरवाजा। देख बेटा, दरवाजे खोलना जानते हैं हम, समझा? अभी जल्दी कर दरवाजा खोल। शाबाश, खोल दे बेटा, वरना मंटो के अफसाने खोल दो का किरदार बना देंगे तुझे। अब खोल भी दे। आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ, आ जाओ। रिलैक्स मेरे बच्चे, आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बचपन में लिखी कहानी मेरी कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। धन धन धन। ओ नायक नहीं खल नायक हूँ मैं। एक बात बता यार, क्या तू पैदाइशी भगोड़ा है? नहीं, घर से भागे, क्रेडिट कार्ड वालों से भागे, अब दोस्तों से उधार लेकर खा लिया है तो उनसे भी भागते फिर रहे। अब जबकि खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पर है तो तुम उससे भी भाग रहे। खुदारी अच्छी चीज है भाई, मगर किस बलबूते पे यार हैं? तेरे पास है क्या ये 2% के आड़ के सिवा क्या है तेरे पास? बीना के आंसुओं की कीमत जानता है तू? तो उसके बाप को पता चल गया ना तो तेरी ये आंखें नहीं रहेंगी आंसुओं के लिए। देखो बेटा, हमारी बात मानोगे ना तो सब कुछ सलामत रहेगा, तुम भी जिंदा रहोगे और तुम्हारा आड़ भी। शफीक मियाँ, ये अपनी बात नहीं मानेगा, काम करते हैं, कार्ड देते हैं। हैं? नहीं, हैं? नहीं, हैं? ये ले, कार्ड दे। जा!